शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार और बंगा से अकाली विधायक डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी ने आज जालंधर संसदीय चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और मतदाताओं से विभाजनकारी राजनीति करने वाले सभी दलों को करारा सबक सिखाने की अपील की तथा कहा कि अकेले सीएस बसपा गठबंधन ही राज्य में वास्तविक बदलाव ला सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी ने कहा, जालंधर में पहले कांग्रेस और वर्तमान में आप पार्टी के कार्यकाल के दौरान नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने और जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदलने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे की स्थिति इस कदर खराब कर रही है कि कल मैं गुरु नानकपुरा रेलवे क्रॉस पर एक घंटे तक फंसा रहा। डॉक्टर सुखी ने कहा कि राज्य में सभी कल्याणकारी योजनाएं ठप हो गई हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। जालंधर पार्लियामेंट तो साढ़े सांडे उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर सुखी जी के नामजदगी पत्र जोड़े आखिल हुए हैं। मैं खुशी है कि BSP के प्रधान साहब सरदार जसवीर सिंह गढ़ी साहब जी, बहुजन समाज पार्टी के सूबे दे ते चंडीगढ़ के इंचार्ज सबका मैंबर पार्लीमेंट सबका प्रधान सरदार अवतार सिंह करीमपुरी साहब ते साढ़े बलविंदर कुमार जी, विचित्र सिंह जी, खैरा साहब ते होर साढ़े सीनियर साथी जिहड़े आ, क्योंकि गिनती बड़ी सीमित होंदी है ते साड़ियां पार्टियां दा ये फैसला सी कि कोड ऑफ कंडक्ट की पालना करते हुए बिल्कुल जिन्ने उन्हां वल्लों अलाउड है उन्ने ही व्यक्ति शामिल हो। एक मैं खास तौर के उत्ते प्रधान साहब वालों श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब वालों खिमा चाहना, क्योंकि उन्होंने आप आके नोमीनेशन दाखिल कराने सी, पर परसों दे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जिहड़े साडे पार्टी दे सरप्रस्त भी ने, एक फादर फिगर ने, साबका मुख्यमंत्री ने, उन्हां नूं थोड़ी जी सेहत की प्रॉब्लम करके फोर्टिस हस्पताल दे विच दाखल ने ते प्रधान साहब भी बेटे होण करके सवेर दे हस्पताल दे विच सी। उन्हां दी कोशिश सी, पहला उन्होंने घंटा को लेट भी कराया सी कि एक दी बजाय थोड़ा लेट करो, पर उत्थे जिहड़ा उन्हां नूं जरूरी रुकना पिया, क्योंकि इस मौसम के भावें बाल साहब की ओवरऑल सेहत ठीक ठाक है, पर प्राणी उन्होंने सह की अस्थमे की शिकायत है। और इस हार्वेस्टिंग सीजन के अस्थमे वाले सारे पेशेंट ही थोड़ा जहा परेशान होंगे है, इस करके प्रिकॉशनरी तौर पर एज के करके उन्होंने एडमिट कराया। उत्थे अज प्रधान साहब न कुछ कारण करके रुकना पाया, जिदे करके मैं उन्होंने वालों थोड़े तो खिमा भी चाहना, क्योंकि वह तो कई दिनों तो लगातार डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुखी जी के हक के चोन प्रचार के गढ़ी साहब के नाल करीमपुरी साहब के नाल सारी टीम के नाल लगातार लगे हुए, इस करके अज इस मौके पर शामिल नहीं हो सके। वो वार वार कह रहे थे, पर असी भी सारे ने इस गल की कहा कि नहीं, बाल साहब की सेहत पहला, तुहाडा बतौर जिहड़ा बेटा फर्ज बनता है तुसीं अपने फर्जा की पूर्ति करो, इस करके वो आ नहीं सके। और मैनू खुशी है कि जिस तरह का माहौल सुखी साहब के कैंडीडेचर अनाउंसमेंट होने तो बाद बनया कि सारे हल्के की जबान के उत्ते इको गल है कि बहुत ही नेक ईमानदार शख्सियत है, तजर्बेकार शख्सियत है, जमीन दे नाल जुड़ी हुई शख्सियत है, जिन्हें पहला ही बहुत वड्डा संघर्ष किया और विधानसभा दे विच बड़ी वजाहत दे नाल लोगों के मुद्दे उठाए आ, पार्टी की कोर कमेटी के मैंबर होने का उन्होंने माण प्राप्त है, और हमेशा ही पार्टी के विधानसभा के भी होर भी जो कोई फोरम होवे उत्थे बड़ी वजाहत के नाल ये लोगों की गल करते। सो ये मैं कह सकता कि लोगों के उम्मीदवार है, सानू पूरी आस है कि जो माहौल बनया, क्योंकि जिहड़ा साडियां विरोधी पार्टियां दोनों का जो हाल होया कि ना केंद्रीय पार्टी नूं अपना उम्मीदवार लभिया ते ना सूबे दे विच राज करदी पार्टी जिहदे 92 MLA है उन्हां नूं कोई अपना उम्मीदवार, इस करके पहली हार तां उन्हां पार्टियां ने स्वीकार कर, पर असली हार जिहड़ी है वह 10 तरीक नूं जित हार दा फैसला होना। सानूं आस है कि बहुत वड्डा समर्थन जालंधर पार्लीमेंट दे लोक सानूं देणगे ते बड़ी शानदार जित जिहड़ी है इन्हां दी होएगी, इस करके गढ़ी साहब जिहड़ा उन्हां नूं बेनती है कि
वो पहला संबोधन करेंगे करीमपुरी साहब फिर कैंडिडेट साहब। सत्कारयोग सारे मीडिया बंधुओ थानू सारिया का मैं शुक्रिया अदा करदा और अज समुचे जलंधर लोक सभा के निवासियों इस गल की लख लख बधाई आ कि बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल के गठजोड़ के सांझे उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी जी जिहड़े कि सारे ही हुण तक के उम्मीदवारों चों सब तो वध पढ़े लिखे आ और पूरे देश दे विच इह मुद्दा बन रहा आ कि पढ़िया लिखिया जिहड़ा किंग है पढ़िया लिखिया जिहड़ा सेवादार होना चाहिए आ जलंधर वासियों नूं जिहड़ा इह मौका मिल रहा। जिस तरीके नाल आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही आ असी ताज़ा घटनाक्रम दे विच देखिया कि श्री खरालगढ़ साहब दो वड्डे सड़क हादसे होए चार गुरु रविदास जी नूं मन्नण वाले एक दिन उस सड़क दे विच मरे या मौत हुई आ और अगले दो दिन दे विच सत्त मौतां फिर होईयां और 10-11 जिहड़े गुरु रविदास जी नूं मन्नण वाले लोग है वह अज भी PGI और सरकारी हस्पतालां च धक्के खा रहे हैं। सरकार ने 25 करोड़ का चैक जलंधर च दिता इस करके दिता कि जलंधर दे विच वोटां आ लेकिन श्री खरालगढ़ साहब जिहड़ी गढ़शंकर तो और आनंदपुर साहब तो जिहड़ी सड़क जोड़दी आ MLA बहुजन समाज पार्टी के MLA डॉक्टर छत्रपाल जी ने विधानसभा में पिछले एक साल तो लगातार ये मुद्दा चुकया कि वह सड़क बनाई जाए सड़क रिपेयर की जाए पर वो सड़क ना बनाई ना रिपेयर की। मुख्यमंत्री साहब 14-15 तरीक न श्री खरालगढ़ साहब गेड़ा कट के आए उदों भी सड़क ना बनाई हैलीकॉप्टर ना गए हैलीकॉप्टर नाल घूमते आ असी पंजाब वासियों ये दसना चाहते हैं कि बाबा साहब उस तो एक दिन पहला बाबा साहब अंबेडकर का 14 अप्रैल का जन्म दिहाड़ा लंघ के गया 132वां और पंजाब सरकार अपनियां फोटूआं ला के टाइटल ये लाउंदी आ साडा काम बोलदा लेकिन जदों बाबा साहब अंबेडकर शहीद आजम सरदार भगत सिंह की गल आउंदी आ उहनूं कहिंदे दफ्तरां च फोटूआं ला दित्तियां आ लेकिन बाबा साहब अंबेडकर दे जन्मदिन दे उत्ते एक भी सरकारी प्रोग्राम सरकार वल्लों किते भी जाके शरदा दे फुल जिहड़े आ बाबा साहब अंबेडकर नूं भेंट नहीं कीते गए। यही काम उहनां ने 23 मार्च नूं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दे मौके उजादगर दिन मौके किया कि दिल्ली जाके तो वड्डी रैली कर ली पंजाब दे विच फुल्लां नाल ही सहार दिता गया और उन्हां महापुरशां दे नाउते कोई भी स्कीम कोई भी वैलफेयर पंजाब दे लोकां नूं नहीं दित्ती गई। अज दे दिन असीं ये कहना चाहुंदे हां कि जिस तरीके दे नाल दलित और पिछड़े वर्गां नूं आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे वह लाभसरां दा मुद्दा होवे एक भी सरकारी तौर पर सरकारी वकील नहीं रखिया गया चाहे श्री खरालगढ़ साहब दे विच 10 कतलों 11 कतलों की जिहड़ी जिम्मेवार है 11 रविदासिया सिंघां की जिहड़ी कतले आम की शिकार हुआ जिहड़े सड़क हादसे च मारे वो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। असी पूरे पंजाब के लोगों नूं अपील करते हैं जलंधर वासियों नूं अपील करते हैं कि कृपा करके जिथे इन्होंने शहीद आजम सरदार भगत सिंह के सुपन धोखा किया जिथे इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के सुपन धोखा किया उन्होंने उद्देशों धोखा किया उत्थे श्री गुरु रविदास जी की जिहड़ी जन्म शो जिहड़ी उन्होंने चरण शो धरती आ श्री खरालगढ़ साहब उत्थे वड्डे भाईचारे नाल भी धोखा किया। असी समूह पंजाबियों नूं अपील करते हैं कि डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी जी जिन्हां दे हक दे विच इक वड्डी नेरी जिहड़ी आ पंजाब दे विच जलंधर जिले दे विच चल रही आ अज भी तुसीं देखो असी किन्ने सादे समागम दे विच कागज़ भरे आ उहदा कारण है कल असी जिस तरीके जलंधर के लोगों को परेशान होंदा देखिया आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने जिड्डा वड्डा हड़दंग कल जलंधर दियां सड़कां ते मचाया और खूनी खेड खेडी गई जलंधर की धरती ते वीडियो नशर होईयां लोगों के मूँह भन्ने गए आ खून निकल रहे नौजवानों के किदां एक दूजे नाल फस कागज़ इदां भरे जांदे आ इदां कागज़ भरे आपसी वर्कर का मतलब ये थोड़े ना कि 302 लवा देनी एक दूजे ते पूरी दी पूरी जिहड़ा कल मैं बजुर्गों मैं मिलिया एंबूलेंसा कूं कूं सड़कों पर कर दिया सी 2-2 घंटे बजुर्ग बच्चे विद्यार्थी सड़कों के जिहड़े एक तरह के नाल कागज़ भरन के बहाने आम आदमी पार्टी ने कहर की धुप्प विच कैद कर दिते। असी अपील करते हैं पंजाबियों जे बदलाओ आ असली बदलाओ पिछले समय च भी तुसीं देखिया गाह भी भविख में जे असली कोई बदलाओ जमीनी बदलाओ जे कर सकता वह बसपा श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़ कर सकता। अज मैं डॉक्टर सुखी जी को समुचे वर्करां नूं बधाई दिंदा हां ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
उन्होंने आवाज बथेरी आ रही। सत्कारयोग मीडिया के सारे साथियों, दोनों पार्टियां की लीडरशिप, सब तो पहला मैं बधाई दूंगा अज BSP और अकाली दल के गठजुड़ के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी जी ने अपने पेपर जड़े आ भरे आ। इस खुशी के मौके पर मैं दोनों पार्टियां के वर्करां वोटरां और अपने कैंडीडेट को मुबारकबाद दिना, बधाई दिना। और क्योंकि जदों असी पार्लीमेंट के अपना नुमाइंदा भेजते हैं तो नैशनल इशू और स्टेट इशू ये दोनों ही खास तौर पर कंसिडर किए जाते। जदों असी नैशनल लैवल पर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिहड़ी आ उहदा पिछले 9 साल की कारगुजारी टोटल डिप्रैसड क्लासिज जिहड़ियां आ जां मनोरिटी आ जिहड़ी जां बाकी भी वीकर सैक्शन आ जिहड़ा उहदे विरोधी पॉलिसियां नूं देश दे अंदर पूर्ण तौर पर लागू किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी दे संविधान की भावना के विरुद्ध काम किया गया। जो BJP की अटल बिहारी जी की सरकार ने संविधान समीक्षा कमीशन बिठा के डॉक्टर अंबेडकर जी दे संविधान को रिप्लेस करने का मता पार्लीमेंट पास किया, उसी दिशा दे विच ए मौजूदा BJP की केंद्र की सरकार बढ़ रही है। सो इस करके इस इलेक्शन दे विच साड़ी अपील है पंजाबियों नू और खास करके डॉक्टर अंबेडकर दे पैरोकारां नू कि संविधान नू बचाउण लई सानू ये वोट जिहड़ी आ ਉਹ BSP ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਲਤਾਂ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ कि मनोरिटी नूं क्रश करने लई कांग्रेस दियां लीहां ते ही BJP और आम पार्टी का गठजोड़ भी चल रहा है। और मैं महसूस करदा कि जिस तरीके नाल पंजाब दे अंदर दमन की नीति लागू की जा रही है, असी ये कह सकते हैं कि भगवंत मान दे अंदर बेअंत सिंह दी रूह प्रवेश कर गई है। इस करके पंजाब दी जबानी बचाउण लई, पंजाब दे विच अमन शांति भाईचारे नूं कायम रखण दे लई सानू कांग्रेस आप और BJP दीयां नीतियां तो सावधान होके आम जनता दे हितां दे लई इस गठबंधन नूं BSP अकाली गठबंधन नूं इस बार कामयाब करे। जलंधर दा वोटर साडी उहनां नूं सनेमर अपील है और ऐसा माहौल भी बन गया है। तो मैं जो कल वायलेशन कोड ऑफ कंडक्ट की आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है, मैं महसूस करदा कि ठीक है अफसरशाही तो बेबस है, वो अपन कुर्सियां सुरक्षित रखने के लिए वो कोड ऑफ कंडक्ट की पालना करवा हूँ तक नाकाम रही है, परंतु चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया यदा नोटिस लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री की हाजिरी के जिस तरह कोड ऑफ कंडक्ट धज्जिया उड़ाई गई ये इस चोण मुहिम की अच्छा आगाज़ नहीं, अच्छी शुरुआत नहीं। आने वाले समय के कोड ऑफ कंडक्ट का सारिया पार्टियां पालन करन तो कल की वायलेशन के बारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गंभीरता नाल लेना चाहिए और बनती कार्रवाई बिना किसी देरी तो करनी चाहिए। धन्यवाद। अज मैं श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार वजो नॉमीनेशन पेपर दाखिल किए और इस मौके पर मैं इतने पार्टी हाईकमांड समुची लीडरशिप
और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब और बहुजन समाज पार्टी के प्रधान डॉक्टर जसवीर गढ़ी जी उन्होंने सारे का धन्यवाद करता जिन्होंने मेरे च विश्वास प्रगट किया। और मैं थोड़े माध्यम तो ये जरूर कहूँगा कि बेशक इस इलेक्शन ने कोई सरकार ना बनानी है ना सरकार कोई गिरनी है, पर जलंधर वासियों के कोल एक मौका आ कि वो पंजाब की भगवंत मान सरकार और सेंटर की मोदी सरकार जिहड़ी सिर्फ तो सिर्फ लोगों धर्म के नाते लोगों जात दे नाल लड़ा के राजनीति करनी चाहती हैं और जो उन्होंने वादे किए से लोगों नाल वो तो भुल के लोगों दूसरे बसा च उलझाने की कोशिश की जा रही है। सो मैं ये बेनती करूँगा कि ये मौका आ असी सरकारां दे खिलाफ असी अपनी गल कह सकीए। बाकी जलंधर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलंधर लोग सभा का जो इलैक्शन आ घट तो घट जिस तरह मैनू पहला मैं एज ए एम एल ए बंगिया दे विच मैनू एम एल ए बन के गया मैं और विधानसभा दे विच अपनी गल रखण का मौका मिलिया तो मैं समझदा कि जिहड़ियां जलंधर दीआं मुश्किलां ने जो जलंधर दे लोक देश की आजादी तो 75 साल तो भी ज़्यादा समा हो गया जो भी सफ़र कर रहे हैं वो रखण का मौका मिलेगा। कल मैं बाई चांस एक गुरु नानकपुरा रोड जी है मैं जाना पाया, मैं उत्थे आप फाटक ते एक घंटा खड़ा रहा। जे जलंधर शहर का तुसी एक एक घंटा बच्चे स्कूलों वाले बच्चे कोई एंबूलेंस जेकर शहर का इस तरह का हाल है मैं समझदा कि ये गल्लां साढ़े विधानसभा लोक सभा दे विच होनिया चाहिए सी। और मैं एक बड़ी क्योंकि डॉक्टर हाँ ये पहली गल इस गलते जाती है कि जिहड़ी एक सेंटर की स्कीम आ जिहड़ी एक मैंबर पार्लीमेंट ने लैके आनी सी इस क्योंकि सेंटर ने हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल आ उन्हें मैडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने जिहड़ी सेंटर की ग्रांट आनी सी अज साडे च जॉइस साहब नहीं रहे सानू इस गल का अफसोस आ, पर अज तक 9 साल ये मैडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए सी क्योंकि जो जो कि मैडिकल कॉलेज बनता जो सहूलत उ मिलदियाँ वो मैं समझता कि उदा सहूलत दूजे हस्पताल नहीं दे सकते। और अज भगवंत मान सरकार जी है वो जिस तरह 300 यूनिट के देण के आड़ दे विच देखो श्रोमणी अकाली दल भी 200 यूनिट दिता ही 100 यूनिट वधा के जो लोगों तो नहीं खोया वो थोड़े सामने आ। जे सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब आटे के नाल दाल देंदे सी अज दाल गायब आ और हर छेवां कार्ड हर जिहड़ा नीला कार्ड जिहनूं बाद स्मार्ट कार्ड कहा गया वो कट दिता गया और गरीब लोग कटिया भी वह जिहड़ा जरूरतमंद सी। और सब तो वड्डी गल जो मैं महसूस करदा वो आटा दाल कार्ड नहीं कला ही उहदे नाल जिहड़ा आयुष्मान हैल्थ कार्ड जिहड़ा आ वो बड़ा जरूरी सी जिहड़ा चन्नी साहब जांदे जांदे बंद कर गया कांग्रेस की सरकार सी और उन्होंने वो आयुष्मान कार्ड जिहड़ा चलता सी हॉस्पिटल दे विच जिहदा 5 लाख का इलाज हुंदा सी जिहड़ी कंपनी ने वो ठेका लिया सी उहनूं भजाता क्योंकि उन्होंने 250 करोड़ रुपया प्राइवेट हस्पतालों का देना सी और जे कहिंदा मतलब 200-250 करोड़ का वो और जेकर कोई भी एग्रीमेंट तोड़दा तो उन्होंने 400-500 करोड़ रुपया होर जुर्माना देना पैना सी। 750-800 करोड़ रुपया जिहड़ा लोगों जो इलाज करा चुके हस्पताल इलाज कर चुके ज किसी ने इलाज कराने की सोची सी वो बंद हो गए और मौजूदा सरकार इन्हें भी अजे तक आयुष्मान जी योजना शुरू नहीं की। और उस एक 100 यूनिट की आड़ के दसो साड़िया बीबिया भैन जड़ीकदियाँ की आ कि सानू 1000 रुपया हर महीने आऊगा वो अजे तक शुरू नहीं होया। दूसरी इलैक्शन आ गई और उस दे नाल नाल सब तो बड़ी गल समझो आम आदमी जरा आम जरा छोटा व्यापारी आ कोई छोटे मोटे धंधे का जरा रोज़ कमा के लिया अज जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पंजाब के अंदर तुम कभी देखा कि जेलों के गैंगस्टर फोन कर और जेलों के गैंगस्टर एक दूजे का कतल कर और कोई भी गैंगस्टर जदों चाहे किसी तो फरौतियां मंगे। और पिछले दिन जो अजनाला दे विच होया उहदी आड़ दे विच पंजाब दा किहड़े पिंड तो इन्हें जिहड़ा नौजवान जिन्हें अमृत छकिया सी चुकिया नहीं गया। सो मैं समझदा कि ये एक 100 यूनिट की आड़ दे विच इन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप खा लिया जो 3.5-4 लाख की गिनती होंदी सी जो अकाली दल की सरकार सी अज चीमा साहब दसण ये तो कहते सी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रिलीज़ करता वो मैनूं दसण वी 1.25 लाख तो वध क्यों नहीं रहा। सो ये गल्लां जिहड़ियां अज लोक उड़ीकदे आ मैं समझदा कि ये एक चंगा मौका आ
जिहड़े इत्थे दे लोक क्योंकि जलंधर दे लोक मैं महसूस भी करदा लोकां नूं मिल के भी देखिया मैं जाणदा भी हाँ कि इन्ने इंटैलीजेंट हैगे आ कि जाणदे आ कि अपना रोसा किस तरह प्रगट करना किस तरह लोक सरकारां नूं मजबूर करना कि उहनां दीआं गल्लां सुणो। मैं समझदा कि जेकर ये उहनां दे खिलाफ़ वोट हुंदी आ तां उह किते ना किते सरकारां बेशक मोदी सरकार होवे बेशक उह भगवंत मान सरकार होवे अपने वादे पूरे करन लई उहनां नूं मननी पैगी लोगों की गल। मैं धन्यवाद करता पवन कुमार टीनू जी तीन कु दिन तो उन्होंने वायरल फीवर करके सेहत काफ़ी डाउन है पर फिर भी उन्होंने प्यार है निजी तौर के उत्ते डॉक्टर सुखविंदर जी के नाल फिर भी वो हाजिर हुए हैं। डॉक्टर नछत्रपाल जी गुरमेल सैला जी साढ़े बीजेपी बसपा के होर लीडर वो भी सारे जिहड़े आ गए। वडाला साहब मेरे ख्याल मैनू तो कहिंदे सी मैं तुहानू पहला पहुँच जाना पर कई बार शहरों के कि ट्रैफिक की समस्या आ जाती उन्होंने भी सारे जो नौ हल्कों के इंचार्ज आ सारे का मैं धन्यवाद करता। देखो मैं कल ही ट्वीट किया पहली तो गल दुख की गल यह है कि जी मर्यादा का रोल मॉडल सब तो पहला मुख्यमंत्री साहब न आप बनना चाहिए क्योंकि असी भी बड़े बड़े तजर्बेकार मुख्यमंत्री साहब बनने के नाल काम किया। मुख्यमंत्री साहब का यह फर्ज नहीं बनता कि वह भीड़ लैके काफिला लैके तो इस तरह के नाल सारे शहर के जबरदस्ती होर्डिंग लगा के गेट लगा के इतों तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंपलैक्स जोड़ा वो गेट तक भी आके जी है वह इस तरह की जी इश्तहारबाजी होर्डिंग लगन और मुख्यमंत्री आप लीड कर रहे हो ये मैं समझदा इस तो होर माड़ी गल नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भी होंदे आ मुख्यमंत्री नाल पार्टी के लीडर भी होंदे लेकिन मुख्यमंत्री होंदिया होया उन्होंने बड़ी वड्डी जिम्मेवारी बन जाती है कि उन्होंने रोल मॉडल बन के ते आप जिहड़ा घट्टो घट्ट अपना कंडक्ट जिहड़ा उस हिसाब दे नाल करना हुंदा और मैनू अफसोस इस गल दा कि यह होर्डिंग हटाए जाने चाहिए सी क्योंकि जिहड़े कमिश्नर ने कारपोरेशन दे उन्होंने फर्ज बनता कि बिना परमिशन तो लगे हुण नोटिस जारी होगा नोटिस ते की कार्रवाई हुंदी है वो बाद दी गल है पर ये पहला हटाए जाने चाहिए जो उहदा शो अलाउ क्यों किया गया। इलैक्शन दे विच हमेशा यह रूल हुंदा है कि जे कोई वायोलेशन कितने ध्यान दे विच आउंदी है तो उन्हें इमीजिएटली हटाया जाता जिहड़ा परपज सी उहनां दा अपना उन्होंने हल कर लिया कि जिहड़ा लोगों के पब्लिसिटी करनी सी जो कुछ करना सी तो उस तो बाद नोटिस नालों जे कल पहला हिम्मत करता प्रशासन तो सारे इलीगल होर्डिंग हटा दिंदा असी फिर ज़्यादा धनवादी होंगे प्रशासन के। हुण मैं इलैक्शन कमीशन नूं कल असी उस वेले ट्वीट किया कि इमीजिएटली सख्त तो सख्त एक्शन जिहड़ा जिहड़ा मुख्यमंत्री साहब ते भी होना चाहिए आम आदमी पार्टी ते भी होना चाहिए कैंडिडेट भी। डॉक्टर साहब हुणे राजा बड़िंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस च लगातार दल बदल दा दौर चल उन्हें भी मोंटी साहब होना उन्होंने पार्टी च जॉइन किया कि देखो गल है कि वैसे तो इलैक्शन के दिनों के हूँ ऐ लगन लग गया है कि जिवें जनरल ट्रांसफर होंदिया ने तो अपनी विचारधारा की कोई परवाह ना करनी उन्होंने लोगों की कोई परवाह ना करनी भी जिन्हें जिन्होंने इन्नी इन्नी देर तुहानू समर्थन दिता हुंदा उन्होंने पार्टियां की परवाह ना करनी जिहड़ियां तुहानू इन्नी शक्ति दे के ते वड्डे तुहाडे कद करदियां ने ये कंडक्टर रुझान चल गया। पहला हुंदा सी कि कोई लीडर किसी असूल दे उत्ते आ के सिधांत दे उत्ते आ के पहला पार्टी च लड़दा सी ते जे उहदी नहीं सी सुनवाई हुंदी ते फिर कोई इहो जी स्टेज बनदी सी तो पार्टियां तो बाहर जांदा सी नहीं तां अंदर रह के लोकी अपनी पार्टी दे ते अपनी पार्टी नूं स्ट्रेंथन करदे सी पर हुण तां इह कि पिछे उदाहरण है कि छे छे पार्टियां बदल गए सवेरे किसे च दुपहर दे किसे च दूजे किसे च आ कैंडीडेट ही जिहड़े दो दूजियां पार्टियां तों आए आ इह हुण पिछे इलैक्शन लड़े आ कांग्रेस पार्टी तों लड़े सी एक कांग्रेस का सबका MLA पहला चला गया फिर वो दिल नहीं लग्या वापस आ गया। इस तो वड्डा मजाक राजनीति नाल तो लोगों नाल की हो सकता भाई तुसी लोगों दी भावनावां दे नाल खेडदे पे ये तो हुण तुसी आप अंदाजा ला लो पत्रकारां नूं थोड़ा जिहा खोजी काम करना चाहिए कि आफ्टर की हुंदा वो बंदा अज पार्टी ज बैठा गुण गाई जाता रहा रातों रात की होंगे कि सवेरे उठ के वो दूजी पार्टी बैठा होंगे इस करके माड़ा रुझान है लोगों इस रुझान जोड़ा है लोग ही ठल पा सकते कि जोड़ा इतना पार्टियां बदलता उन लोग एक बार सबक सिखा देन देखो जी लोगों की गल के उत्ते कि खड़ना अपने आप ठीक हो जाएगा।
ड्रग केस मामले में एस एस पी राजू जरा कि पहला बर्खास्त करता है लेकिन हजे तक उन्होंने गिरफ्तारी नहीं हुई है तो हम इस समय फरार चल रहे कि देख रहे देखो मैं तो असी तो कभी भी किसी को नहीं रोकते कि अगर किसी के खिलाफ कोई गलत काम है तो सरकार एक्शन लवे। पहले तो गल है कि रिपोर्टा तो हूँ खुलियाँ, हाई कोर्ट तो बड़े देर तो कह रही थी कांग्रेस के बड़े तो भी तुम जो कोई एक्शन लैना तो तुम एक्शन लो, रिपोर्ट कोर्ट को सील सी, सरकार को तो पता सी, पुलिस को तो पता सी पहले, तो इन्नी फिर देर कहनू की। इस करके साडा अकाली दल का स्टैंड हमेशा स्पष्ट रहा है कि जे किसी के खिलाफ कोई दोष बनता तो जरूर कार्रवाई करो, पर वंडेटा पोलिटिक्स के विखावे की पोलिटिक्स करके तो लोगों को फराड करने वास्ते कि नंबर बनाने वास्ते किसी का कैरियर खराब ना करे। इस करके बड़ा स्पष्ट है हाले जे जी हैगी है ये जी मैरिट केस की जी हैगी है वो देखी जानी चाहिए है, जो किसी का कसूर है 100% एक्शन होना चाहिए, वंडेटा पोलिटिक्स किसी तरह होनी चाहिए। सर वक् वक् थावान अच्छे किसान रेल रुको आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार तो पंजाब सरकार दोनों के खिलाफ कर रहे हैं, इन्हें देख रहे किसान दोबारा तो सड़क देखने को मिले। देखो गल है कि जो सरकार अपनी कमिटमेंट तो नहीं खड़ गई तो फिर किसानों को बाकी जोड़े वक् वक् वर्ग ने उन्होंने को चारा होंगे जदों तो वह आते हैं अनाउंस करते हड़ताल तुम जाके फटाफट उन्होंने वादा करते हो डेटा दे देंगे कि इन्नी तरीक न इन्ने बजे तक आ चीज़ लागू हो जाएगी तो होंगे कख नहीं। आ पंजाब सरकार ने जी पुरानी पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन कर दिता क्योंकि उत्थे चाहिए सी नोटिफिकेशन की कापी हिमाचल दे विच ते गुजरात दे विच, नोटिफिकेशन किवें लागू होना उहदे च की रूल्स होणगे कुछ नहीं लिखा, सिंपल लिख दी एक लाइन का कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जू, इदा तो किदा लागू हो जू। बाद दे विच जो इलैक्शन निकल गई उत्थे हत्थ पल्ले कख नहीं पिया तो इत्थे आ के कहिंदे जी केंद्र वाले पैसे नहीं दिंदे तो तुसीं नोटिफिकेशन उन्होंने पुछ के कीता सी, ते जे फिर हुण मुलाजम उस तो बाद हड़ताल ते जाण तो मुलाजमां दा कसूर ते ना होया। सरकारां नूं ओह कमिटमेंट करनी चाहीदी है जिहड़ी पूरी कर सकदी। सर सीएम साहब ने कल जिहड़ा कागज़ ने पिछले दिन पीसी कीती कि रेवेन्यू जिहड़ा वध शो कीता जा रहा ते आया घट हैगा, सीएम साहब ने कहा कि ना समझी गल है, जे किसी ने कोई अपने बेईमानी करी हुंदी घट शो करदा है इह तां कहिंदे बजट का डाकूमेंट मुख्यमंत्री साहब ने जिहड़ा उन्हां दे फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश कीता उहनूं पढ़ लैण। इको सवाल है सादा जहा झटका जहा कि जे पंजाब की आमदन वधी है तो 42,000 करोड़ का करजा सरकार ने क्यों लिया, सीधा सवाल 42,000 करोड़ का करजा उन्होंने लिया, बिजली बोर्ड ने अपने मुलाजमान तनखा देने वास्ते करजा वक्रा लिया तो फिर आमदन तो करजा लेना माड़ी गल नहीं, डिवेलपमेंट वास्ते करजे सरकार लेंदियाँ, पर इस वेले साडी डेट तो जी एस डी पी की रेशो जी साडी सरकार वेले कभी 30 तो नहीं टप्पी, इस वे 47 तक पहुंची हुई है जोड़ा इस वारी बजट का डाकूमेंट है। यदा मतलब है कि तुहाडी फिस्कल मिसमैनेजमेंट है, तुहाडा जोड़ा खर्चा डिसप्रपोर्शनेट है इनकम दे, क्योंकि कभी सुनिया कि जिहड़ी स्टेट का 20-25 करोड़ का जोड़ा पब्लिक रिलेशन का बजट होंदा सी 750 करोड़ के इश्तहार दे जांदी है। जे पंजाब के लोगों की सलाह लैनी है तो सारे देश दियां अखबारां नूं पहले पन्ने के उत्ते बजट वास्ते सलाह देने वास्ते साउथ तक इश्तहार दे जाओ, उहदा पंजाब के लोगों नूं की फायदा, उहदा केजरीवाल नूं फायदा हो सकता इलैक्शन का, उहदा आम आदमी पार्टी नूं कोई फायदा हो सकता, पंजाब के लोगों नूं की फायदा। जदों तुसीं 750 करोड़ रुपया बजट पब्लिक रिलेशन का लै जाओ तो अपना टोटल बजट जिहड़ा तुहाडा कुदरती गल है बाकी जिहड़े काम ने सफर करने, इस करके फजूल खर्ची वधदा। हैलीकॉप्टर तुहाडे कोल हैगा, तुसीं नाल एक जहाज़ फिक्सड विंग जहाज़ खरीदन क्यों तुर पए, क्योंकि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की चोण लड़नी है उहदे वास्ते हैलीकॉप्टर तो दिल्ली तक ही इत्थों तक ही जा सकदा, तो उहदे वास्ते सारे देश घूमने वास्ते तुहानूं वड्डा जहाज़ चाहिए वो पंजाब के खजाने चो खरीद लोगे तो यह पंजाब की स्टेट अफोर्ड नहीं करनी। इस करके फजूल खर्ची बंद करनी चाहिए है, जेडे चोरी होंगी है वह बंद करनी चाहिए, हूँ एक्साइज पॉलिसी के कितनी चोरी हुई, सिटिंग चीफ मिनिस्टर CBI ने कॉल किया जो सब तो ईमानदार जिन्हों दसते चक के अंदर किया हो फाइनेंस मिनिस्टर दे जरा दिल्ली का जोड़ा कहें कि देश भगत है तो जो एडी एडी वड्डी चोरी करोगे तुसी तो डाटा फज करके तो लोगों को कहो कि साड़ी आमदन वधी है, रियल डाकूमेंट जोड़े आ उसदे च कोई वाधा नहीं होया, ये फिगर फज कर रहे हैं इस करके उदे करके नुकसान हो। डॉक्टर साहब एक साल का समा तो सॉरी एक महीने का समा हो चुका है लेकिन अमृतपाल हजे भी गिरफ्त तो बाहर चल रहा है, कितना देख रहे हो सुपरे जिहड़ा कितना नाल ही कमिश्नर साहब का दफ्तर है उन्होंने पुछो साडा काम तो है नहीं ये तो आयो 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 आयो
ठीक है सर, ठीक है, ठीक है।